भारती, तालियां वापस ले लीजिए आप। अरे वापस ले लो। क्यों? अब नहीं मेरा दिल करता आपको अदनान बोलने का। क्या हालत बना ली, काहे का अदनान, अद पापड़ हो गए हैं सूख के आप। लेकिन मुझे बताइए आपकी कौन सी फिल्म आ रही है, किस लिए आए हैं आप, कौन सी मूवी के लिए? भारती ये फिल्म के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं एल्बम के लिए आया। शादी हो गई? मैं म्यूजिक एल्बम की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं और तुम। वो जो ऐसे ऐसे करके नाचे थे यार, ये बंदा कितना झूठा है। मुझे कहते मेरे चाचा जी का बर्थडे, मुझे खूब नचाया, उसका एल्बम बना लिया। ये तो मजाक बहुत हो गया। एक आपके साथ राउंड खेलना है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपको सवाल पूछूंगी, आपने फटाफट जवाब देने। हमारे पास दो एक्टर हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड, आपको बताना है इसमें से आपकी नजरों में कौन ज्यादा टैलेंटेड है और फेवरेट कौन है, अभिजीत सावंत या राखी सावंत? राखी जी, मैंने देख लिया था जिस प्रकार आप बाहर उनकी टांगे देख रहे थे, टांगों में टैलेंट ढूंढ रहे थे। वेरी गुड। एक सेकंड, मैं पीछे जी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम आई नहीं, राखी बाय चांस चलेगी और उसकी टांगे भी साथ में थी। चलिए ना सर, दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल ये। क्या? मैं सबके पीछे चिपकती हूँ आप सर। सर ऐसे मत करो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। दूसरा सवाल आपका सर, किन दोनों में से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, करीना या कटरीना? कोई नहीं। पक्का? पक्का। फिर से सोच लो, कोई भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा नंबर लिखो, 98 मोटा पे 000, एनी टाइम यू कॉल मी हीरो। सर आप आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे लिए गाना ना गाएं। वही गाना गा दीजिए ना, चलिए ना करिए शुरू। Thank you so much for visiting us again. Thank you for having me. Thank you. It's always lovely to be here. So please enjoy the show. Once again, a big round of applause for Adnan Sami. आज है हमारा family special episode. तो हमने सोचा क्यों ना एक family reunion रखा जाए. इसीलिए इस special episode में हमने हमारे परिवार के कुछ पुराने सदस्यों को बुलाया है, जैसे कि राखी सावंत, क्लाउडिया और खुशबू. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली जोड़ी के साथ। एक महान गायक को हो गया है अपनी ही बेटी की डांस टीचर से प्यार, अब अपने बुढ़ापे के सुरों पर कैसे बिठाएंगे वो जवानी के ताल, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज फेमस सिंगर, राखी एज एन इंटरनेशनल पॉप स्टार एंड सिद्धार्थ एज अ बेटी। कैसा है पुत्र? ठीक ठाक। ये संगीत का महारथी सामने बैठा है, इसकी एल्बम सुपर डुपर हिट को ताली मारो। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इसने सुपर टैलेंटेड लड़की भारती ली है। अजनान पुत्र एक बात पूछनी है, जब तू ऐसा था लड़कियां ऐसा लेता था, अब तू ऐसा हो गया लड़की ऐसी लेता है। क्या तुमने कसम खाई है कि एल्बम में एक मोटा बंदा होना जरूरी है? लेकिन मेरी बच्ची तेरी फैन बड़ी है पुत्र। हां जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, आपकी भी एल्बम है ना, कुड़ी टैंट लग दी। तो सर उसमें ऐसा लग रहा था अदनान के बगैर में बटर नान नाच रहा है। कुड़ी टैंट लग दी, टोटा पीस लग दा। तो सर होना ऐसा चाहिए था लड़की के हिसाब से, कुड़ी फैट लग दी, मोटा पीस लग दा। मैं चाहती हूँ अदनान कि मेरा बच्चा सिर्फ गाना ही ना गाए, नाच नाच के परफॉर्म भी करे, परफॉर्मर बने। इसीलिए तेरे को डांस सिखाने के लिए वलैत से एक कुड़ी बुलाई है हमने, फकीरा। आजो भी किधर है फकीरा? वक्का वक्का, माय हिप्स डोंट लाई, माय हिप्स डोंट लाई। जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, लड़की को डांस सिखाने के लिए, वेरी शी ये खड़ी है। सर मैं आपके गले की बहुत बड़ी फैन हूँ। सर ये बताइए कि आपके गुरु कौन है? हमारे उस्ताद जी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा उस्ताद आज भी मेरे अंदर है। क्या
कहाँ है क्या? पापा बैठ गए थे ना उस्ताद जी पे। बकवास करती है, कहने का मतलब मेरी रूह में समाये हुए मेरे रोम रोम में है। चलो मेरे रियाज का टाइम हो गया, तबले निकाल मेरे, जल्दी कर मेरे तबले। पापा तो तरबूज है। हाय रब्बा, मैं तबले फिर से खा गया। एक मिनट पापा, दूध बाद में निकाल लेना। सर लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। पहले इसे ऐसे अंदर रखते हैं, फिर इसे ऐसे करते हैं और 1 2 ओके ओके सीखा। हाँ जी मैं करती हूँ। गलत कर रही है तू, इसने तो ध्यान से देखा ही नहीं। दोबारा कर दो जरा, मजा नहीं आया। ओके सर आई कैन डू इट। मजा ही आ गया, मतलब करो दोबारा। ओके आई कैन चेंज द स्टेप्स। ओके देखना। हाँ जी। ओके किसने देखा? मैंने देख रही थी, ये मुझे देख रही थी। देखा तू वेख्या? हाँ। ते पहला क्यों नहीं वेख्या जी? जाओ पानी पी करो। आप थक गए होगे जी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ये मैं कहाँ बैठूं, यहाँ पे कहाँ रेस्ट करूं? ये लो जी आपका पर्सनल सोफा। देखिए सर मैं ऐसे सोफे पे बिल्कुल नहीं बैठती। ये लो बेड। ओह माय गॉड सर, यू आर सो स्वीट, कम ऑन बेड पे लेट जाओ। नो सर यू आर सो स्वीट सर। अरे मान गई मान गई मान गई मान गई। देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, देख लिया। बकवास करती है अपनी नई मम्मी के सामने। नई मम्मी? ये मम्मी बनेगी? नहीं मेरी मम्मी मेरी मम्मी है, इतने बड़े घराने से ये 2% की डांसर। Hey, I'm a pop star, international pop star। ओ सुन ले चमचलिक, अब मुकाबला होके रहेगा। ओए हजा हजा मुकाबला, मैं भी देखती हूँ तू अच्छा गाती है या मैं अच्छा डांस करती हूँ। इतनी देर में खड़ा नहीं हो सकता। अब करो शुरू मुकाबला, हो जाए। सारे गम पदनी सा मगरे हल बेला सजन आयोरी, हल बेला सजन आयोरी, हल बेला सजन आयोरी, हल सारे सारे गरे गरे बेला सजन आयोरी। ये बताओ कि ये इसकी मम्मी बन सकती है? उठा मेरे को। भाई जजेस और हमारी ऑडियंस ने आज आपके इस एक्ट को स्टैंडिंग ओवेशन देकर बना दिया है इसे बिंगो एक्ट। जोरदार तालियां। Yeah, I thought this was a very, very good act. Very entertaining, funny, and something novel and new that we got to see. Thank you, sir. Thank you so much. Adnan? सबसे पहले तो
भारती, बहुत मुश्किल से आज मैं आपके पास दोबारा हाजिर हुआ हूँ। सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठाती थी ना। हाँ, बस सॉरी। एक्चुअली मम्मा साथ में सोए होते तो फिर थोड़ा उनको शक हो जाता है। आपको पता है ना कि मुझे पता है, उसके बारे में कम कहा जाए तो बेहतर। ठीक है, बिल्कुल आपस की बात है। एंड सिद्धार्थ, इंडीड दिस वॉज टू गुड, दिस वॉज माइंड ब्लोइंग। और भारती, जैसे आपने एंट्री ली थी, मुझे इमीडिएटली पता लग गया था कि आप किसकी रूह को लेके आ गई हैं, और मुझे पता है कि आप उनके बहुत बड़ी फैन हैं। बिल्कुल सर, इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। एंड राखी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी मजेदार किस्म की कॉमेडी भी कर लेती हैं। आई नो दैट यू आर ग्रेट डांसर एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू आरती। Three of you performed brilliantly. Yeah. Well written act, good act. Thank you. आप तीनों ने इस act को यहाँ से वहाँ तक lift कर दिया. Thank you. Beautiful. Thank you, Archie. Mam, scores क्या हुए? Archie. Dead points from Archie now. Wow. Dead points from Arman. Thank you. तो judges ने आपको दिए हैं bingo, yummy toes, top 10. जॉइंट फैमिली इंडिया की शान है, लेकिन एक नई नवेली दुल्हन इस जॉइंट फैमिली से परेशान है और प्रिवेसी के लिए जा रही है पहाड़ों पर हनीमून मनाने। अब पहाड़ों पर होते हैं कैसे कैसे पंगे, चलिए देखते हैं। फैमिलीज की तू तू मैं मैं से यमी टोस ब्रेक दिलवाने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड खुशबू एज अ पत्नी। कैसा लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा। पहले मैं नाचती थी ना तो सबकी सांसें रुक जाती थी, अब मैं नाचती हूँ तो सबके ससुर रुक जाते। हाय हाय, आई लव यू, मेरा फेवरेट सिंगर। लव यू टू। जोरदार ताली हो जाए रूप कुमार के लिए। सॉरी, गलती हो गई। पतले हो गए ना, पहचान नहीं पा रही हूँ। जोरदार ताली अल्ताफ के लिए। जस्ट किडिंग यार, अदनान सामी जी मैं जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ मैं अदनान सामी को। सच्ची में इतना सा था। मैं अपने गोदाम में खिलाती थी इनको। बच्चे लोग मिलते हमको क्या बोलते रहे, देखते देखते बड़ा हो गया, देखते देखते बड़ा हो गया। इनका उल्टा है, जब से देखती आ रही हूँ देखते देखते छोटा हो रहा है। भाई 40 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कल ही की बात है, क्योंकि कल रात को बहुत मजा आया। खैर, पति जो होता है ये भगवान समान होता है, और मेरे पति का जो समान है ना वो कहीं भी पड़ा रहता है। अदनान सामी बेटा आ गया मेरा, मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि हर आदमी की तमन्ना होती है अपने फेवरेट एक्टर को लाइव देखे, आज इसने मुझे देख लिया। सर जी, ऐसा है, ये मेरी धर्मपत्नी, अब क्या सोचा है जीवन के बारे में कुछ कर ले? अरे जीवन का छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेरे अंदर क्या देखा था जो मैं नहीं, पहले पहले तुम बताओ तुमने मेरे अंदर क्या देखा था? मैंने तो दो चीजें देखी थी तेरे अंदर। क्या? एक तो तेरी इनकम, दूसरे तेरे दिन कम। नहीं सच्ची बता, तूने मेरे पैसे से प्यार किया है कि मेरे को प्यार किया? मैंने तेरे से ही प्यार किया। सच्ची? हाँ। अर्चना जी, आप सोच रही होंगी मैंने पैसा क्यों नहीं कहा, अब यही तो फर्क है परमीत की पत्नी और डड्डू की पत्नी में। भाई ऐसा थोड़ी होता है। मैंने ना तेरे साथ प्यार पता क्यों किया? दिल से। वैसे मुझे रिश्ता आ रहा था अर्चना का। अच्छा। हाँ। शादी हो जानी थी। अच्छा। इसने शर्त रख दी, कहती शादी के बाद भी मर्द मैं रहूंगी, ऐसा बोलती। सही है। कहाँ मर गई थी, कलमू ही कलचू ही। मैं दूध को खट्टा लगा रही थी ताकि दही जम जाए। दूध को खट्टा लगाती रहो, कभी भैंस को खट्टा लगाओ, कोई बछड़ा पैदा हो जाए घर पे। कब देगी तू पोता, कब गोची करेगी तू? तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन दादा दादी तुनक तुनक तुन तुनक 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 तुन दादा दादी।
वो जाना चाहते हैं हनीमून पे, तो उनकी तैयारी करते हैं, उनको भेजते हैं। चलो उनको भेजवा, ठीक है, चलो उनको छोड़ के आते हैं। सर आपने जाना नहीं। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, फाइनली मेरे मम्मी डैडी ने हमें हनीमून पे भेज दिया। कितना रोमांटिक मौसम है ना अरबाज। लेकिन देखो फिर भी आंखें भाड़ भाड़ के बस देख ही रहे हैं। अरे छेड़ लो, मौका मिला है अभी। क्या स्टैंड अप कर रही है? मैंने कहा था इसको स्टैंड अप मत देना साली को। और हंसा तू, हंसा अरबाज भाई। अरबाज भाई मैं तो कहता हूँ चार पांच बार हंस लो, नहीं तो और चार छह जोक सुनाएगी ये। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बीवी भी सुंदर है, तो क्यों ना आज थोड़ी सी दादी से बात हो जाए फोन पे। जरा एक बार आ रहा हूँ, जरा दादी को फोन देना। अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो अब पहुंच गए हैं, आके कर रहे सब। क्या हुआ डार्लिंग? वो ऐसे रिलैक्स एंजॉय, वो दादी थोड़ी सी गुजर गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? दुख नहीं है क्या? मेरे को जितना दुख दादी का है ना, जाने का किसी को नहीं। मेरे को समझ नहीं आती, जब हम घर पे थे तब चली जाती, घर खाली मिलता, हम यहाँ आते ही नहीं। ये क्या चक्कर है दादी भैया? मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, दफा हो। हेलो बस, ये क्या कर रही है? पानी है ये, रहता नहीं जो फैलाई जा रही है। इधर आ जाओ साइड पे। ओ साहब जी, तुम ये रहती हो? हाँ होटल है हमारा इधर। होटल है? हाँ। कमरा मिल जाएगा मुझे? हाँ साहब जी, आप जल्दी जल्दी चलो और पहले SSS कर लो। क्या ये SSS क्या मतलब? मतलब शीट शेव एंड शैम्पू साहब जी, अभी आए हैं ना लेने। मैं यहाँ पे एक ही काम करने आया हूँ। क्या साहब जी? FUN फन। साहब जी कई साल पहले एक आदमी आया था साहब जी, साहब जी ऐसी निशानी छोड़ गया। इस बच्चे को साहब जी बाप का नाम दोगे आप? मैं दे देंगे। क्या नाम है साहब जी आपका? मेरा नाम अदनान सामी। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा नाम चाहे बदनाम कर दो। अरे क्या बात है साहब जी, धन्य हो गई साहब जी मैं। साहब जी आप गाना सुना दो ना साहब जी। गाना? हाँ वो तो गाना तो कितना अच्छा गाते हैं ये। नहीं, मैं मैंने छोड़, मैं जिम के चक्कर में पड़ गया, मैंने गाना छोड़ दिया। अरे नहीं साहब जी, मैंने सुना पियानो भी बड़ा फास्ट बजाता टू 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 करके। ये रखा है साहब जी, बजा लेते हैं। ओहो अदनान सामी है, कौन सा गाना सुना रहे हो? ये मेरे को नहीं पता, मैं पियानो बजा रहा हूँ, पहले बीच में नहीं बोलना, थोड़ा नीचे जाओ। हाँ ऐसे कर लो, मुझे पता है, क्योंकि इनका ध्यान इधर चला जाएगा, मेरा गाना रह जाना। भीगी भीगी रातों में फिर तुम्हारा तुम अदनान सामी हो ही नहीं सकते। क्यों? ये क्या धर 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 क्या बजा रहे हो? नहीं नहीं वो देखो, वो एक ही कलाकार गा सकते, हमसे नहीं गाया जाता तो क्या करें, इनके लिए तालियां बजाओ, ये क्या मतलब हुआ साहब जी? लेकिन जो भी है, मैं इस बच्चे को आपको नाम देना ही पड़ेगा साहब जी, मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूँ साहब जी, मैं सच्ची कह रही हूँ साहब जी। ठहरो ठहरो एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, मैं अगर शादी करूँगा तुमसे, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं साहब जी, बनाना खाना आता है। मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई? तुम यहाँ गुल छर्रे उड़ा रहे हो? ए, कौन है ये? मेरा पति है। कुछ नहीं, गुल गुल हो रहा था, छर्रे अभी उड़ाए नहीं इसने। ए, गुल गुल। बात कर रही है। कहते हैं कृष्णा सुदेश की जड़ी कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता। देखा आज खुशबू ने कृष्णा सुदेश को मार दिया, इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। आप सबको मुबारक। चलो उठ जाओ। मालूम था हमारी जोड़ी तोड़ने के पीछे लगी हुई है ये, इसीलिए अर्चना जी बंदूक में नकली गोलियां थी, मिठाई में जहर मिलाया था हम लोगों ने। अच्छा है मर गई, अब हम जरूर जीतेंगे। बजाओ। जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर इस एक्ट को बना दिया है आज का बिंगो एक्ट, उस बात पर जोरदार तालियां हो जाएं। अदनान क्या कहेंगे आप इस बहरूपिये के बारे में? इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आपने जो पियानो बजाया है, वाकई मुझे आपने कॉम्प्लेक्स दे दिया। और
बुजुर्ग का जो आपने किया उसके बाद फिर आप आए, मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज है आपके लिए, शेविंग। आपकी टांगें जो हैं बहुत हसीन हैं, माशाल्लाह, इनको जमीन पे ना रखिएगा, मेले हो जाएंगे। आरजी, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, इट वाज सो क्यूट। किसने लिखा है एक्ट? ये वंकुश ने लिखा है। वंकुश, वंकुश आरजी, सुपर। अरबाज, वेरी वेल रिटन एक्ट एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड एक्ट, सो इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज डैम गुड दिस एक्ट, टू गुड। थैंक यू। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स, 10 पॉइंट्स फ्रॉम आरजी, बेशक 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। तो जजेस ने आपको दिए हैं बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10। और जाते-जाते एक चीज, अदनान जी का जो फर्स्ट हिट सॉन्ग था लिफ्ट करा दे, तो सर एक मैं स्टेप आपके साथ कैसे रहे। दादा की जायदाद के लिए पोती पोतों में हो रही फाइट दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एंड मुबीन एज पोता विद जैमी एज वेरियस कैरेक्टर। मर गई मैं। हाँ, ये भी कोई उम्र है मरने की? सिर्फ 200 साल की तो हूँ। मैंने सोचा था कि CID के 7 लाख एपिसोड देखकर मरूंगी, लेकिन हाय, देखो दया, अब किसके लिए दरवाजा तोड़ोगे? हाय, दया से याद आया, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। कहाँ है उनका फोटो? ये है वो मेरे पोतों के दादा। अभी यमराज से पूछते होंगे, व्हाट यू गॉट फॉर डिनर? अरे राम गोपाल, मेरे पोतों कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ। अरे गंगा जल लेते आना, वो भी नीट। ये जहन्नुम जाए, मिर्गी का द्वारा आए, मेरी दादी जब टपक जा। अरे मरने का नाम नहीं दे रही, सठिया गई बुढ़ी। अरे छोटे, ये तो वही बात हो गई। मान ना मान मैं तेरा नान। ले आखिरी 2 बूंद बची है, जल्दी घटक जा वरना उड़ जाएगा। ले, अरे गंगा जल है, पेट्रोल थोड़ी ना कि उड़ जाएगा। 2 मिनट रुक जाते तो तुम्हारे दादा की अमानत के बारे में कुछ बताती, लेकिन इट्स ओके, नो वरी, इट्स कूल, इट्स फाइन, इट्स नॉट कूल। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? क्लाइमेक्स में क्यों बढ़ती है यार? क्या? अरे दादी, अरे दादी का पंपला, पंपला, दादी का जल्दी पंप। अरे मिल गया, मिल गया दादी का पंप, दादी का पंप, दादी का, दादी बोलो, दादी उठो, दादी कुछ बोलो, जल्दी बोलो दादी, हम सुनना चाहते हैं दादी। अरे ये आरजे लोग का यही प्रॉब्लम, अबे माइक नहीं है, पंप है। सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। दादी, दादी, दादी कुछ बोलो, दादी आई कैन हियर यू, दादी। तुम्हारे दादा के संजू, अरे जोर से आवाज़ है, वाह, तुम्हारे दादा के संजू की चाबी है, इसमें से आधा तो बांट लेना। हमारी दादी कितने प्यार से पाल पोछ के बड़ा किया था दादी ने। अरे दादी जा रही है भैया। हाँ जाने दे, जाने दे, सेकंड एंट्री की तैयारी करने जा रही है, जाने दे, जाने दे, आजा 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 आजा, ये रख। अरे लेकिन एक बात तो बता छोटे। हाँ, इसकी चाबी हाँ मेरे पास है। हमको 2 चाबी, हम खोलेंगे। हम, अरे हमको खोलने दे चाबी। नहीं, हमको 2 चाबी। नहीं नहीं, अरे नहीं दूंगा चाबी। अगर चाबी चाहिए तो पाओ, उस आदमी से चाबी लेकर आओ जिसने अरबाज खान के मुंह पे ताला लगा दिया ताकि वो खुल के हंस नहीं सकता। जाओ लेकर आओ चाबी। हाय दादी, दादी हाँ, कुछ सजे जायदाद बट रही है, मेरा हिस्सा क्या हो? लंदन से आई फ्लाइट पकड़ के, कोई तो कर दे पूरी मेरी विश। भैया भागो, अंग्रेजों ने दोबारा हमला कर दिया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अरे छोटे, ये साइमन नहीं है, ये हमारी छोटी बहन है बबली, लंदन वाली। दादी की मौत की खबर सुनके जायदाद के चक्कर में आई है। दादी कहाँ है, कहाँ है दादी? वो अब हमारे बीच नहीं रही। Oh my God!
Oh, by the way, दादी ने कुछ चाबी के बारे में बोला है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। जरूर इसमें दादाजी के पंच होंगे, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिलता है लेकिन पंच नहीं मिलता, you know? क्या कॉमेडी की बात कही है छोटे? बेटा पापा ने सिखाया है। Oh, shut up, you don't care. ओ, दादाजी का संदूक। अरे चिट्ठी पढ़ो, चिट्ठी चिट्ठी भी है। अबे हमारे लिए चिट्ठी छोड़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, संदूक के अंदर मेरी निशानियां रखी हैं। तुम लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, तुम सब आपस में बांट लेना। गुड़गांव में मेरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का कर्जा उतारने के बाद उसमें से 2 पेड़ बचेंगे, उनकी देखभाल करना, पानी डालते रहना। बच्ची, मेरी बहन इतने सालों बाद आई। ये एनओसी, इस पे हमने ये साइन कर दिया, अब दादाजी का सब कुछ तुम्हारा। बेस्ट ऑफ लक, चल रही है। अब अपने 2 BHP पे खुश। एओ, इसमें तो दादाजी का टॉयलेट रोल है। टॉयलेट रोल? देखो वो अपने पोटी से, आई मीन अपनी पोती से कितना प्यार करते थे। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, देखो जरा। Something's written, I don't know. बेटा तुम्हें तो मालूम है मुझे भूलने की आदत है, बाकी की कुछ चीजें थी वो यहाँ लिख रहा हूँ। 4 मीनार में से 2 मीनारे तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्या हुआ? मीनार चुप गई ईदी में। आईफल टावर तुम्हारे दादा का था, वो भी तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की किताब और मशाल भी मैंने दी थी, वो भी छोड़े जा रहा हूँ। क्या लंबी लंबी छोड़ रहे दादा? कसम से यार, बनता है यार। तो माता आ रही है। NOC अब मेरा है। I won't give you guys anything. तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरा, everything is mine. It's gonna be so great. Oh my God. Excuse me. Twinkle twinkle little star. Johnny Johnny yes papa. May the days ahead be one of the best. Do the things you want in your life. मतलब NOC वापस कर दो दीदी। हम लोगों में क्या क्या बढ़ता है वो तो मैं मार्क्स देने के बाद ही बताऊंगी। अर्चना जी, आप कितने मार्क्स देंगी? एक सिंपल एक्ट था, उसे आप तीनों ने अपनी कलाकारी के साथ, अपने हुनर के साथ बहुत बहुत अच्छा कर दिया। थैंक यू आशी, थैंक यू सो मच। अरबाज, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नाइस, वेरी स्मार्टली डन एक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जरा इन्हें पॉइंट्स भी दे दीजिए। 9 points. Anand bhai, it's always a pleasure to have you on this set or comedy circus. आपने और आशा जी ने बेहतरीन गाना दिया था, आपका सबसे बड़ा हिट जो हिंदुस्तान में हुआ था, वो गाना अगर एक बार आप हमें आकर सुना दो। बहुत दर्द था, क्या बात है? गाते जाओ, क्या बात है, क्या बात? हम भी तो हैं तुम्हारे। अच्छा, दीवाने हो दीवाने, ये मेरा दीवाना है पक्का। हम भी तो हैं थोड़ा संभल के, ये जो आपने किया ना, इससे थोड़ा लिवर खराब हो जाएगा। आज
70s में सलीम जी ने इंडिया को एक सुपरहिट बॉलीवुड फैमिली दी थी, जिसमें एक विधवा माँ थी, एक खुददार बेटा था, एक कमीना लाला था। आज उस बॉलीवुड फैमिली का रीमिक्स लेकर आ रहे हैं बलराज एज विधवा माँ, क्लाउडिया एज हीरोइन एंड राजीव ठाकुर एज वेरियस कैरेक्टर्स। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं बेहद कमजोर हैं, इसलिए कोई भी पहलवान नुमा जज उनके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश ना करें। तो पेश है नो रिहर्सल प्रोडक्शन प्रेजेंट्स फिल्म माँ बेटा और लाला। आज खुश तो बिल्कुल नहीं हूं मैं, क्योंकि ना मेरे पास बैंक बैलेंस है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना पैसा है, ना गाड़ी है। ले दे के एक माँ है और वो भी आवारा गर्दी करने चली जाती है। एक नंबर की अर्चना है। कल विपुल शाह को देख के बोल रही थी, तेरी चेक वाली शर्ट में तू बड़ा हैंडसम लगता है। कहती ये चेक नहीं है, ये प्लेन शर्ट है। कहते नहीं, जो तेरी जेब में चेक पड़ा मैं उसकी बात कर रही हूँ। पानी माँ, पानी पानी माँ, पानी पानी माँ, सा पानी माँ। थोड़ा सा म्यूजिकल कर रहा हूं, दनान जी आया। बेटा बेटा बेटा, देख मैं तेरे लिए दवाइयां ले आई। बेटा माँ तूने बहुत देर कर दी। नहीं, केबीसी आज फिर निकल गया। हम गरीबों का कौन सा केबीसी होता है, हमारे टीवी में तो केबीसी भी अलोक होस्ट करता है आके। हमारा तो 15वां सवाल भी 300 रुपए का होता है, जिसमें 1 किलो सेब नहीं आता। 1 किलो सेब? माँ बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, माँ मुझे माँ 1 किलो सेब खिला दे। माँ नहीं बेटा, ये गरीब अबला 1 किलो सेब कहां से लाएगी। मेरे पास तो ले दे के 2 संतरे हैं, है? खाएगा बेटा। 2 संतरे कहां से ला रही है इतनी बड़ी रकम के, तेरे पास 2 संतरे आ गए। कहीं सेम टाइम स्लॉट पे किसी दूसरे चैनल पे तू शो तो नहीं कर रही माँ। कि कौन सी रील चल रही है बेटा? 5वीं रील चल रही है माँ, 5वीं। 5वीं रील? हाँ माँ। तेरा हीरोइन से मिलने का टाइम हो गया बेटा, मैं जाती हूँ। तू कहाँ जा रही है माँ? बेटा जब मंच पे ग्लैमर आता है ना, तो टैलेंट को कोई नहीं पूछता बेटा। क्यों अर्चना जी, मैं जा रही हूँ। अर्चना? अर्चना से याद आया माँ, मेरा बाप कौन है माँ? तेरा कोई बाप नहीं। तो तूने मुझे क्या YouTube से डाउनलोड किया था माँ? मेरा कोई बाप नहीं। बेटा मैं तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई थी। तू मंदिर की सीढ़ियों पे क्या कर रही थी माँ? बेटा मैं मंदिर की सीढ़ियों पे जूते चुराने की नौकरी करती थी। एक दिन मैं चप्पल चुरा रही थी, तू चप्पल उतार ही ना उतार ही ना, फिर तुझे भी साथ घर लाना पड़ा बेटा। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी बेटा। बोल माँ। क्लाउडिया आने वाली है, एक संभाल लेना। सुषमा सुषमा सुषमा, उनको याद हो गया, आगे भी बोल। चलो इसी चट्टान के पीछे चलो जहां हम पहली बार मिली। किसके पीछे? चट्टान। वो चट्टान नहीं, अदनान थे, पतले हो गए, अब नहीं जा सकते। चला। अर्चना बहन, तुमने मेरे बेटे को देखा? एक्ट में ध्यान हो तो देखो, कोई पता नहीं कौन कहां से आया, कहां गया, कुछ देखती तो हो नहीं तुम। अब भी मेरी बातें सुन रही हो कि ध्यान बोतल पे है? 13वीं रील चल रही है, ममता का टाइम खत्म, वासना का टाइम शुरू। लाला आजा घर में, कोई नहीं है, तेरी जान अकेली है लाला। राजा रानी। ए आधा राजा, ये क्या कर रही हो? तेरे स्टेप मैच कर रही हूँ कमीने। तेरा सुन, तेरा बेटा मेरी बेटी को बोले भाग रहा है, आजा। वो मेरा बेटा नहीं है लाला, मैं उसे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई थी। अच्छा, फिर तो वो मेरी बेटी भी नहीं है, मैं भी उसे सीढ़ियों से उठा के लाया था। लाला
तू भी मंदिर में कभी कभार जाया करता था? कभी कभार नहीं, मैं तो रोज जाया करता था। पर दिखता तो नहीं था रोज रोज? वो क्या है, मेरी चाल की वजह से कभी मैं दिखता हूँ, कभी मैं नहीं दिखता हूँ, कभी दिखता हूँ, कभी नहीं दिखता हूँ। मंदिर में करने क्या जाता था लाला? कोई मेरी चप्पल उठा के ले जाता था, उसी को ढूंढने जाता था मैं। एक बार मैंने चप्पल पे अपना बच्चा उठाया, अरे चप्पल समेत बच्चा उठा के ले गया वो। लाला ऐसे किसी अबला औरत को गालियां नहीं निकालते। लाला तुझे कैसे पता कि वो अबला औरत है? क्योंकि लाला ये सब काम हम औरतें ही करती हैं। क्यों जी? रुको, मुझे पता है वो अबला कौन है। कौन है? यही है वो अबला जिसमें चप्पल चुराई, जिसमें बच चुराया। बच? यही है। हाँ, और सुनो, मैंने और तेरे बेटे से के साथ शादी कर ली मैंने। अच्छे भले एंड का बेड़ा गर्क कर दिया इसने आके। हो गया तेरा? लाला पीछे ले कहा था, पीछे हो लाला। अच्छा खासा हमारा एक्ट चल रहा था, हो गया तेरा, हो गया तेरा। चल लाला, पहले कहा था हॉलीवुड के एक्टर मत मंगाओ, खत्म कर दिया ना एक्टर आधे रास्ते में हमारा। सीधा हो जा तू। हेलो हेलो श्रुति, हेलो आंटी जी, खाने पर ध्यान कम दो, काम पर ध्यान दो, आओ स्टेज पर। मैं तो सिर्फ एक बिंगो यम्मी टोस्ट ब्रेक ले रही थी। ब्रेक काम के बाद लेना, पहले कमेंट्स लो हमारे फिर ब्रेक लेना। लेकिन ब्रेक लेने का मजा तो तब है ना जब ब्रेक का वक्त ना हो। तो जजेस, कैसे लगी आपको ये परफॉर्मेंस? नाइस अर्चना, आई थिंक द एक्ट वाज नाइस। आपकी मेहनत नजर आ रही थी कि आपने बहुत अच्छी तरह से रिहर्स किया, ओनली मुझे लगा एंडिंग जो है थोड़ा सा फ्लैट गया, पर अदरवाइज वेरी नाइस एक्ट। थैंक यू, थैंक यू आरजी। अरबाज, ओवरऑल द एक्ट वाज गुड, बट आई थिंक योर परफॉर्मेंसेस हैज मेड इट मच बेटर। थैंक यू। अदनान, ऑल थ्री ऑफ यू फैंटास्टिक, थैंक यू, थैंक यू अदनान। Judges, time now for the scores. 8 points. Archie, 8 points from Archana.